अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो हम बात कर रहे थे एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर वर्क वीज़ा न्यूजीलैंड पे, ठीक है। तो दो वीडियोस जो थी वो अपलोड हो चुकी हैं, वो आप काइंडली चेक कर लें। तो आज की वीडियो हमारी होगी कि आपने किस तरह से न्यूजीलैंड फॉर्मेट में CV जो है वो क्रिएट करनी है, ठीक है। क्योंकि अगर आप किसी भी कंपनी को में हायर होना चाहते हैं तो उसके लिए आपको CV और कवर लेटर की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो अगर आप वाकई चाहते हैं कि आप का एप्लीकेशन जो है वो अप्रूव हो जाए और आप जो है वो सेटल हो जाए न्यूजीलैंड के अंदर, तो आपको क्या चाहिए होगा। आपको सबसे पहला प्रोसेस होगा, आपको CV और कवर लेटर जो है वो न्यूजीलैंड फॉर्मेट में बनाना होगा, ठीक है। तो वो आपने किस तरह से बनाना है, ये आप सबसे पहले जो टिप्स और ट्रिक्स हैं वो आप देख लें। उसके बाद जो है वो आपको एक वेबसाइट बताई जाएगी, उसके ऊपर जाके जो है वो भी आप क्रिएट कर सकते हैं। वो आपको तमाम क्वेश्चंस पूछेगा, स्टेप बाय स्टेप आप उस पर जाएं और अपनी जो है वो कंटिन्यू करके, अब जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है वो आप करके, तो अपनी जो है वो CV और कवर लेटर उस कंपनी को सेंड कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आप ले लें एक पेपर पेंसिल और वहाँ पे लिख लें जी ये टिप्स और ट्रिक्स जो न्यूजीलैंड CV के लिए इम्पोर्टेंट है। और अगर आप इस फॉर्मेट के अंदर CV सेंड नहीं करेंगे उनको, तो आपकी पॉसिबल चांसेस हैं कि आपकी CV जो है वो रिजेक्ट हो जाएगी, ठीक है। सबसे पहले जब आप CV क्रिएट कर रहे हो तो आपने क्या करना है जी, एक सिंगल सिंपल फॉर्मेट जो है वो चूज़ करना है, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट फॉन्ट स्टाइल्स आपने यूज़ नहीं करने हैं, ठीक है। एक फॉन्ट अगर आपने चूज़ कर लिया, उसी फॉन्ट को आपने जो है वो आगे फर्दर कंटिन्यू करना है, ठीक है। कोई फैंसी तस्वीरें वहाँ पे अपलोड नहीं करनी, कोई इस तरह की चीज़ जो है वो आपने नहीं देनी। उसके बाद आ जाती है, पहला तो हो गया यूज़ सिंगल फॉन्ट्स। उसके बाद आ जाती है हमारे पास कन्वर्ट योर एकेडेमिक ग्रेड इंटू न्यूजीलैंड इक्वलेंट ग्रेड, ठीक है। आपके जो एकेडेमिक रिकॉर्ड है उसको आपने न्यूजीलैंड के एकेडेमिक रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग जो है वो वहाँ पे लिखना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर चलते हैं, वहाँ पे अगर चलते हैं CGPA या परसेंटेजेस चलती हैं, तो आपने अपनी जो है जो भी आपका रिजल्ट आया था, फॉर एग्जांपल अगर आप बैचलर के स्टूडेंट हैं तो अगर आपने किसी यूनिवर्सिटी से किया है, तो यूनिवर्सिटी में क्या होता है कि वो CGPA वाला सिस्टम होता है, ठीक है। अगर न्यूजीलैंड आपसे CGPA वाला सिस्टम डिमांड कर रहा है तो आप उसको CGPA में बता दें, और अगर आपको परसेंटेज में पूछा है तो आप परसेंटेज निकाल के बता दें। बाकी ये सारी दोनों चीज़ें जो है वो आपको कैलकुलेट करना आती हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि अगर आपने कहीं पर कोई एज अ वॉलंटियर काम किया हुआ है, तो आप उसका सर्टिफिकेट जो है वो आपको मिलता है। अगर आप 2 महीने के लिए काम करते हैं, 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए एज अ वॉलंटियर, तो आपको जो है वो सर्टिफिकेट मिलता है। तो वो सर्टिफिकेट जो है वो भी आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपका कोई इस तरह से आपने अगर गोल्ड मेडलिस्ट हैं कोई भी चीज़ है इस तरह की, तो आप वहाँ पे बता सकते हैं कि मैं ये गोल्ड मेडलिस्ट हूँ और मैंने इतना काम किया है इस फॉर्म के साथ, किया इस फाउंडेशन के साथ किया है, और इतने अरसे के लिए ठीक किया है, ठीक है। यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर जो है वो इसको इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती कि वॉलंटियर क्या है, ये है वो है। बाकी बाकी सारी कंट्रीज़ में इसकी बड़ी ज़्यादा वर्थ होती है। और अगर आपने पहले किसी कंपनी के साथ एज अ वॉलंटियर या किसी फाउंडेशन के साथ आपने काम किया, तो आपकी जो सैलरी है वो हज़ारों में नहीं लाखों में इंक्रीज़ होती है, ठीक है। तो फ़ायदा ही आपका ही होता है। उसके बाद आपने करना है, जब आप अपनी CV जो है वो क्रिएट कर रहे हो, तो आपने उसके अंदर रिलेटिव कीवर्ड्स जो हैं वो आपने यूज़ करने हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप जॉब अप्लाई कर रहे हैं सेल्स मैनेजर के लिए, तो आपने वहाँ पे आप सेल्स मैनेजर के वर्ड ही यूज़ करने हैं, ठीक है। चाहे आप पाकिस्तान के अंदर जनरल मैनेजर हैं, लेकिन आपने अप्लाई जो किए हुए जॉब का टाइटल जो है वो सेल्स मैनेजर का, ठीक है। सेल्स जनरल मैनेजर तो होता है, उससे बड़ा है, सेल्स मैनेजर से बड़ा बड़ा होता है ना, तो उसका काम जो है वो भी ज़्यादा होता है। लेकिन आपने न्यूजीलैंड के अंदर अप्लाई सेल्स मैनेजर के लिए किया हुआ है, अगर आपको ये पता होगा कि अगर पाकिस्तान के अंदर सेल्स मैनेजर 15 लाख कमा रहा, तो वहाँ न्यूजीलैंड में जाके सॉरी जनरल मैनेजर जो है वो अगर 15 लाख कमा रहा है 1 महीने के अंदर पाकिस्तान के अंदर, तो वहाँ पर जाके न्यूजीलैंड के अंदर सेल्स मैनेजर कितना
कमा लेगा, 25 कमा लेगा, ठीक है। तो इस तरह से चीज़ें जो है वो वर्कआउट करती हैं, और आपने ये वाली चीज़ें सारी जो है वो अपना एक्सपीरियंस में वहाँ पे मेंशन ज़रूर करना होता है। बाकी आप अगर मैनुअली CV जो है वो भी क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद ये भी हो गई कि आपने रेलिवेंट कीवर्ड्स जो है वो यूज़ करने हैं। उसके बाद आ जाती है, अच्छा ये आपको आपको फ़ायदा बता देती हूँ कि आपने रिलेटिव कीवर्ड्स क्यों यूज़ करने होते हैं। क्योंकि जो एम्प्लॉयर्स होते हैं उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो एक एक बंदे की जो है वो CV पकड़ के चेक करें और कवर लेटर पकड़ के देखें। तो वो क्या होता है कि सॉफ्टवेयर्स जो हैं वो यूज़ होते हैं, जैसे ही आपकी CV या कवर लेटर वहाँ पर सामने आता है, तो अगर उन्होंने अपने सिस्टम के अंदर सेल्स फॉर एग्जाम्पल सेल्स मैनेजर का नाम सेव किया हुआ, तो वो आपकी CV जो है वो फिल्टर आउट करके उस एम्प्लॉयर के सामने ले आएगा, एंड देन वो चेक करेगा, एंड देन आपको अप्रूवल की जो है वो ईमेल आ जाएगी, ठीक है। इस तरह से सिस्टम जो है वो वर्क करता है। बाकी बाय हैंड जो है वो उनके सामने इस तरह से CVs नहीं रखी जाती, सिस्टम में ही होता है, सिस्टम उनको फिल्टर आउट करके देता है, इसलिए आपने रिलेटिव CV बनानी होती है। अगर आप किसी भी जो है जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, तो ये नहीं करना कि मैंने एक दफ़ा CV बनाई तो यही मैं हर जगह पे कहीं जाऊँगा करी जाऊँगा करी जाऊँगा, ऐसा नहीं होता। अगर जो है कहीं पर जॉब है जनरल मैनेजर की, कहीं पर जॉब है सेल्स मैनेजर की, तो आप क्या करें, कहीं पर जॉब है ऑपरेटर मैनेजर की, तो आप क्या करेंगे, वो अपनी CV को उसके अकॉर्डिंग जो है वो मोल्ड कर देंगे, ठीक है। ये वाली सारी चीज़ें आपने गौर से सारी चीज़ें देख लेनी है, समझ लेनी है, देन आपने अपनी CV जो है वो बनानी है। और जैसे ही आप जिस जॉब के लिए भी अप्लाई करें, अगर तो सेम जॉब है, तो आप ये फॉर एग्जांपल अगर आप सेल्स मैनेजर की CV बना रहे हैं, तो आपकी ये CV सेम जॉब के लिए अप्लाई हो सकती है। लेकिन अगर आपने ऑपरेटर मैनेजर के लिए दे रहे हैं, तो ये CV आपके किसी काम की नहीं है, ठीक है, आपकी CV डायरेक्ट रिजेक्ट हो जाएगी, क्योंकि उनके सिस्टम में जो कीवर्ड्स उन्होंने स्टोर किए इंस्टॉल किए हैं चेकिंग के लिए, वही हमने मैच करेंगे, तो उनकी आपकी CV उनके सामने किस तरह से जाएगी। इसलिए अपनी जॉब को, अपने एप्लीकेशन को प्रूव कराने के लिए बेस्ट वे है कि आपने रिलेटिव कीवर्ड्स अपने कवर लेटर और CV के अंदर जो है वो पुट करने होते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आपने बताना अपनी एजुकेशन एकेडमिक रिकॉर्ड बताना, ये नहीं बताना कि मैंने मैट्रिक यहाँ से किया, मैंने FSC यहाँ से किया, या मैंने बैचलर्स यहाँ से किया, या मैंने मास्टर्स यहाँ से किया, या मैंने FSC सॉरी MPhil या PhD यहाँ से की, ठीक है। अब अगर आप बता रहे हैं तो आप ये कर लें, अगर आपने मास्टर्स किया तो आप क्या करेंगे कि आई हैव कम्प्लीटेड माई बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री फ्राम दिस यूनिवर्सिटी एट दिस ईयर, ठीक है। डेट आपने बतानी है, ईयर आपने बताना है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने बतानी है। और अगर आपने PhD किया तो PhD से पिछली डिग्री जो है वो MPhil होती है, तो आपने ये बताना है कि आई हैव कम्प्लीटेड माई MPhil एंड PhD फ्राम दिस, ठीक है, एंड फलाना ईयर और फलानी डेट, ये सारी आपने बतानी होती है, ठीक है। तो आपकी CV जो है वो कंप्लीट हो जाती है। बाकी सिंपल जो होता है वो आपने फॉर्मेट उसका रखना होता है, कोई इस तरह की इतनी शौकियाँ वाली नहीं होती, नहीं बनानी होती उसमें, ठीक है, जितनी कोई पिक्चर वगैरह की ज़रूरत नहीं होती है आपको न्यूजीलैंड की CV में। बाकी आपने जिस कंट्री के लिए अप्लाई करना है, आपको उसी तरह की CV फॉर्मेट्स के अकॉर्डिंग जो है वो अपनी CV बनानी होती है, कवर लेटर बनाना होता है, और उनको जो है वो अप्लाई करना होता है, ठीक है, उनके थ्रू। अब बात आ जाती है कवर लेटर की। कवर लेटर आपने किस तरह बनाना है, ये आपको पता है, हर वीडियो में आपको बताया जाता है कि कवर लेटर इज़ बेसिकली समरी ऑफ योर लाइफ, ठीक है, आपने क्या क्या किया, कहाँ से स्टार्ट किया, कहाँ पे अभी आप मौजूद हैं, ठीक है। तो ये आपने क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक ऑपरेटर मैनेजर के तौर पर अप्लाई कर रहे हैं, तो आपने क्या करना है जी, सबसे पहले आप चले जाएँ ब्राउज़र के ऊपर, जो भी ब्राउज़र आप यूज़ करते हैं वहाँ पर जाकर लिखें ChatGPT या OpenAI, वहाँ से आपसे पूछेगा कि आपने साइन अप करना है, साइन इन कर लेंगे। तो साइन इन करने के बाद सिंपल गूगल से कर लेंगे, फेसबुक से कर लें, आपकी मर्जी है। जब आप वो कर लेंगे तो वो आपको सर्च बार नज़र आ रही होगी, वहाँ पे आपने लिखना है जी, आप उर्दू में भी लिख सकते हैं, जिस जुबान में आपको आता है वहाँ पे आप लिख सकते हैं, ठीक है। आपने उसको लिखना है कि मुझे जो है वो एक कवर लेटर जो है वो बना के दे दे अकॉर्डिंग टू द सेल्स ऑपरेटर सॉरी सेल्स मैनेजर जॉब या ऑपरेटर मैनेजर जॉब एंड यूजिंग द कीवर्ड्स सेल ऑपरेटर, ठीक है। इस तरह से अगर आप यहाँ पे लिखेंगे तो आपके सामने वो तमाम कीवर्ड्स जो हैं वो उसके अंदर आपको एंटर करके देगा, ठीक है। बाकी आपने क्या करना है जी, वहाँ से कॉपी करना, और कॉपी करने के बाद वो जाहिर है आपको वहाँ पर नाम तो नहीं आ रहा होगा, तो आपने क्या करना है उसके अंदर आपने उसकी एडिटिंग करनी है, ठीक है। एडिटिंग इस तरह से करनी है, यहाँ वहाँ पर अगर आपसे लिखा होगा कि माई नेम इज़ डैश, यहाँ पे वहां पे लिखा आ रहा होगा योर नेम, तो योर नेम के ऊपर आपने अपना नाम लिखना है,
ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने देखनी है। एंड देन आपने अपना कवर लेटर और CV इस तरह से तैयार करके एंड देन किसी भी एम्प्लॉयर को या किसी भी कंपनी को आपने सेंड करनी है। एंड देन आपके चांसेस होंगे अप्रूव होने के एप्लीकेशन, ठीक है। एंड देन आप वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो मूव कर सकते हैं। और जो आपको एक वेबसाइट का लिंक भी बताया जा रहा है, वहाँ पर भी आप जाएंगे तो आपको जो है वो पता चल जाएगा किस तरह से आपने CV बनानी है, ठीक है। साथ साथ आपकी स्क्रीन पे ये जो है वो वीडियो भी चल रही होगी कि कौन कौन सा किस तरह जो है वो मैंने काम किया है, कि कौन सी वेबसाइट है। तो वेबसाइट का जो नाम है वो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, करियर्स कह लें या कैरियर्स कह लें जो भी आपकी मर्जी है, CARERS.GOVT.NT, ठीक है, .NT नॉट NZ, NT है, ठीक है। जब आप ये लिखेंगे सबसे फर्स्ट पे आपके सामने जो है वो एक वेबसाइट आ रही होगी, उसको आपने क्लिक करना है, देन क्रिएट एन अकाउंट के ऊपर जाना है एंड देन टूल्स के अंदर जाके आपने जो है वो अपना जैसे जैसे वो क्वेश्चन पूछेंगे उसको आपने फिल करते रहना और आपकी CV जो है वो एट द एंड कम्प्लीट हो जाएगी, ठीक है। अभी भी आपकी स्क्रीन पे इस तरह से ये CV क्रिएट होती भी नज़र आ रही होगी, तो ये आपने इस तरह से कर लेनी है। बाकी होना ना होना अल्लाह ताला की मर्ज़ी है। और ये वीडियो जो है वो स्पेसिफिक पाकिस्तान के लिए नहीं है, जितने भी लोग देख रहे हैं, इंडिया वालों के लिए, बांग्लादेश वालों के लिए, इंडोनेशिया वालों के लिए, जितने भी समझ सकते हैं इस ज़ुबान को, उन तमाम लोगों के लिए, ठीक है। तो अपने ये जो है वो अप्लाई करने में कोई हर्ज नहीं है, सिंपल है, इसमें कौन से आपके पैसे लगते हैं। बाकी दुआ करें और मेहनत कर लें थोड़ी सी CV और कवर लेटर बनाने में, और इसको जो है वो दूसरों तक भी शेयर करें, जरिया बने, थोड़ा से नेकियां शेकियां कमा लें, क्या पता आपकी वजह से कोई जो है वो किसी अच्छी जगह पे पहुंच जाए, तो इसका सवाब भी आपको ही होएगा, ठीक है। इंसान की आखिरत जो है वो संवर जाती है। और एक और बात की, इंस्टाग्राम पे काइंडली फ़ोन ना किया करें आप, थोड़ी बड़ी मेहरबानी। जहाँ पे आप मौजूद हों, जहाँ पे आप देख रहे होते हैं वीडियो, उसी के कमेंट बॉक्स में आपको राइट है, आपको कुछ नहीं कहा जाएगा, आपको 100% बल्कि 200% राइट है कि वहाँ पर आप आके आप लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं, तो वहाँ पर आप काइंडली पूछ लिया करें ताकि आपको आंसर देना जो है वो आसान हो। इंस्टाग्राम मैं इतना यूज़ नहीं करती, इसलिए काइंडली अवॉइड किया करें ये वाली चीज़ें। और टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, दूसरों तक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।